अगले दिन जन्माष्टमी है और ऐसे कोई तैयारी नहीं थी कि इनको तैयार करना है या कृष्ण बनाना है, लेकिन सबने बोला कि यही एक मौका होता है जब आप थोड़ा तैयार कर सकती हो, क्योंकि बच्चे अभी छोटे हैं, बाद में जब ये बड़े हो जाएंगे तो वो मज़ा नहीं आएगा या फिर खुद ये मना करेंगे। तो दिस वॉज द मोमेंट जो हमें मिस नहीं करना चाहिए। तो मैं फिर भागते भागते गई बिकॉज अजय का ऑफिस था सेम डे एंड ही केम लेट, तो अभी जाना था तो आई थिंक मैं 9 बजे गई। फिर जल्दी जल्दी ड्रेस लेकर आई ताकि मैं अगले दिन तैयारी कर सकूं। एंड जब आई तो छोटा सा मुझे खिलौना मिल गया जो इनके लिए मैं लेकर आई। घर पहुँचते पहुँचते बहुत लेट हो गया था, मैं आई थिंक 10 बजे तक घर आई। उसके बाद सबने खाना पीना खाया, इनको सुलाना था जल्दी क्योंकि 12 बजे पूजा करनी थी। तो सुलाने में आई थिंक 11:30 हो गया था। फिर जल्दी से फटाफट नहाए और नहा धो के फिर हमने पूजा की तैयारी की। कुछ खास ज़्यादा कर नहीं पाए लेकिन हाँ, मतलब थोड़ी सी छोटी सी पूजा की हमने, उतना भव्य पूजा तो हो नहीं पाया मुझसे क्योंकि बहुत टायर्डनेस हो जाता है, टाइम भी नहीं मिलता कुछ करने के लिए। फिर सुबह अगले दिन हमने राजमा चावल बनाया क्योंकि जन्माष्टमी थी और आजकल फास्ट नहीं हो पाता है मुझसे, तो फिर हमने बनाया राजमा लंच के लिए। रात में हमने राजमा को भिगो दिया था और अभी मैं लंच पैक कर रही हूँ क्योंकि अजय विल गो टू ऑफिस तो लंच देना था। सो राजमा चावल और खीरा मैंने पैक किया है। उसके बाद ये लंच बॉक्स रेडी हो गया है ऑफिस जाने के लिए। सो रहे हैं लड्डू। आज लंच में है राजमा चावल और थर्सडे का दिन है, आज सेकेंड डे ऑफ जन्माष्टमी है यानी कि दूसरा दिन है जन्माष्टमी का। तो आज बच्चों को तैयार भी करना है और थोड़ा सा काम है ऑफिस का, विल डू दैट एंड उसके बाद हम करेंगे फ़ोटोशूट। तो दिखाते हैं आज का स्केड्यूल आपको। ये है मेरा अजवाइन सॉरी जीरा पानी और हमारा खाना बन चुका है। ये है आलू भिंडी की भुजिया, नीचे है राजमा और कुकर में है हमारा जीरा राइस। अब हम पियेंगे अपना जीरा पानी क्योंकि इट्स गुड फॉर हेल्थ। हेलो लड्डू कुमार। ये है हमारा होलसम लंच, आलू भिंडी की भुजिया, जीरा राइस और मज़ेदार राजमा। बड़कू को मैंने राजमा चावल खिलाना चाहा तो वो मुंह से निकाल के खुद ही खाने की कोशिश कर रहे थे, तो मैंने एक कटोरी में ही दे दिया कि लोग खुद से एक्सपेरिमेंट करो, खाओ गिराओ। ये भी एक लर्निंग सेशन ही है इनके लिए कि गिराओ और खाओ। मेरा कन्हैया लोग रेडी हो गया, बस थोड़ा सा मेकअप करना बाकी है। उसके बाद मतलब परफेक्ट रेडी देखो, परफेक्ट। ऐ कन्हैया कन्हैया रे, हाँ बारिश होने वाली है लगता है और आम के भी नए पत्ते आ गए हैं। हाँ भेजूंगी। ये ऊपर हो गया, ये क्या कर रहे हो? खेलने दो। Thank you.
एक्साइटेड। खाना चाहिए बोतल पकड़ने के अलावा किसी चीज से दोस्ती नहीं है, ये दोस्ती किसी चीज से नहीं है। ये मिर्ची भाजी, बाबू खा रहा मैसूर भाजी, और बाबू के लिए अलग से आया है आलू भाजी। खराब जाएगा। रात के खाने में है बेसन का चीला। बेसन का चीला इसलिए ताकि थोड़ा लाइट रहेगा सबके लिए, इंक्लूडिंग बच्चास, उनको थोड़ा खाने में अच्छा लगता है जो मैंने नोटिस किया है, तो इसलिए हम बेसन का चीला बना देते हैं रात में अक्सर बच्चों के लिए।